हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ कवर कर रहे हैं पावर पॉइंट के कंप्लीट सेशन को, जिसमें मैंने पहले डिस्कस कर लिया होम मेनू पूरा कंप्लीट और इंसर्ट। इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिज़ाइन मेनू को। ठीक है, डिज़ाइन मेनू में क्या जानोगे आप, पेज का कैसे डिज़ाइन करते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। अगर ये पेज आपको दिख रहा है तो यहाँ पर क्या करना है, देखो इसका लेआउट चेंज कर दो ब्लैंक, एक और पेज ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसा आप लेआउट चेंज करोगे ना, नेक्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो वैसे ही पेज नीचे भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हम थीम अप्लाई करेंगे। यहाँ बहुत सारे थीम अलग अलग हैं। ठीक है, तो थीम को अप्लाई करो पहले, और इसके साथ ही देखो अलग अलग थीम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी अप्लाई करो। इसके बाद देखो जैसे अप्लाई किया आपने ना, कलर पे जाओगे, देखो कलर भी चेंज होगा अलग अलग। ठीक है, और कुछ ढंग का पहले थीम लगाओ, तब समझ जाएगा आपको कि क्या कर रहे हैं हम। दिख रहा है आपको, ये कलर यूज़ होगा, फॉन्ट स्टाइल पूरा पूरा इस पर जो यूज़ करेंगे वो यूज़ होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ देखो, यहाँ पर अलग अलग टाइप के कवर मिलेंगे, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 2013 यूज़ करोगे ना, 2013 या 2016 या 2019, तो आपको और भी बेस्ट फीचर मिलेंगे इसमें, बहुत ही बेहतरीन फीचर मिलेंगे, और जिससे आप और भी बहुत बेहतरीन एडिट कर पाओगे। अपने आप जो कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कमाल का पेज है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉर्मेट बैकग्राउंड स्टाइल जाएंगे। हम सेकेंड पेज पे गए, क्लिक किया, देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट बैकग्राउंड मिल रहा है हमें, और यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, इसको साइड रखा। अब देखो यहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट, क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज को अप्लाई करेंगे। और आप कैसा चाहते हो, लीनियर चाहते हो, रेडियल चाहते हो, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसा पेज चाहते हो। ठीक है, पाथ वगैरह चाहते हो, या अगर रेडियल चाहते हो तो रेडियल में कैसा कलर चेंज करो, यहाँ से कलर कैसा, अगर रेड चाहते हो तो रेड मिलेगा, एलो चाहते हो तो एलो मिलेगा। समझ में आया? इसको देखो ये पॉइंट होता है, आप जिसको जितना चाहो इसको उतना मूव कर पाओगे, ये तरीका होता है। ठीक है, ऐसे सनशाइन वगैरह सेट करना चाहते हो वगैरह तो आप कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे ये जो कलर आपको दिख रहा है इसको हटा रहे हैं यहाँ से, इसको कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जितना चाहो उतना सेट कर पाओगे। अगर और स्टेप स्टाफ चाहते हो तो और यहाँ पे क्लिक करो, स्टाफ ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखो ये सब स्टाफ है, क्लिक करो, बहुत सारे कलर को ऐड कर पाओगे एक साथ। देखो यहाँ पर क्लोज करोगे तो क्लोज हो जाएगा, अप्लाई ऑल करोगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें बैकग्राउंड स्टाइल इस्तेमाल करना है। एक पेज बन गया, आप चाहते हो कई पेज बनाना अलग अलग। ठीक है, होम पे जाओ और यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज कुछ साइनिंग वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, डिज़ाइन पे, फॉर्मेट बैकग्राउंड चाहो। आप चाहते हो कि एक एक पेज पर पिक्चर लगाना चाहते हो तो पिक्चर लगा दो। ठीक है, और ये जो तो ग्रेडियंट लगा सकते हो सेट करके अलग अलग टाइप के, इनमें तो जो ग्रेडियंट होगा ना बहुत ही कमाल का होता है ग्रेडियंट। रेडियल देखो इस पर क्या आ रहा फीचर। ठीक है, और रेक्टेंगल करके देखो, और पाथ करके देखो, पाथ में तो मज़ा नहीं है लेकिन यहाँ पर हाँ इसमें कुछ थोड़ा ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कलर, वाइट कलर इधर का, आप चाहो तो थोड़ा इसको सेट कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कलर नहीं चाहिए, इसको सेट कर लो साइड में। समझ में आया? और यहाँ पे क्या करना, ब्लैक कलर ही रहने दो। ठीक है, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ब्लैक कलर भी अच्छा है। यहाँ पे पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हो तो इस तरीके से भी बना सकते हो बहुत ही खूबसूरती के साथ। क्लोज करो और होम पर जाओ, नेक्स्ट पेज करो। अब ये पेज जो है यहाँ पर क्या करोगे आप, क्लिक करके जितना चाहो उतना बैकग्राउंड बना लो। समझ में आया? आपको जो चाहिए वैसा बनाओ, यहाँ पे सारे फीचर पड़े हुए हैं ऑलरेडी, और आपको कलर बस सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, ग्रेडियंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल किस टाइप से कर रहे हैं वो चीज़ डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप जैसा कलर फिट करोगे वैसा बनेगा ये पूरा पूरा बैकग्राउंड। इसके साथ ही अगर साइड में चाहते हो कॉर्नर पे रेड पॉइंट्स, या और इसके कॉर्नर पे चाहते हो रेड पॉइंट्स, ठीक है, तो जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। ठीक है, या इसको अलग अलग चाहते हो अलग फाइंड में करना तो येलो पॉइंट्स भी सेट कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अगर इसमें एक और स्लाइड चाहते हो तो येलो पॉइंट चाहते हो, येलो पॉइंट ले लो। ठीक है, जो कलर सेट हो वही कलर आप लगाना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ केवल बता रहा हूँ कि कैसे काम करना है। ठीक है, आप ग्रीन लेना है तो ग्रीन ले लो, एलो लेना है एलो ले लो, जो भी लेना हो सेट कर लो। इसके बाद यहाँ पे क्या करो, इसको बैक करो थोड़ा सा, क्लिक किया,
इसको सेट कर लो। इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद आप क्या करोगे, तो ये डिज़ाइन कंप्लीशन हो गया, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम डिज़ाइन सेट करते हैं। अगर पेज का सेटअप करना चाहते हो तो पेज का साइज सेट कर सकते हो, और इसके साथ ही जो ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन मतलब कि लैंडस्केप दिखाना चाहते हो पेज तो लैंडस्केप दिखेगा, पोर्ट्रेट दिखाना चाहते हो तो पोर्ट्रेट दिखेगा, समझ में आया। ये इसके फीचर होते हैं, ठीक है। जैसे ये पेज हमारे पास है, हम क्या करेंगे, पिक्चर मंगाएंगे, और पिक्चर में कैसा, यहाँ पर हम चाहते हैं ये बर्ड है, ठीक है ना। और भी चीज़ें हमारे पास होंगी, मान लो ये क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक करो। अब ये जो है हमारे पास, को रिमूव बैकग्राउंड करो, इसका जो बैकग्राउंड होगा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमें फ्लावर मिल गया सीधा सीधा, और क्या करना है हमें, ये जो फ्लावर दिख रहा है अब इसको जहाँ चाहो वहाँ यूज़ करो, इसको रोटेट कर दो सीधा सीधा इसको आप। ये सारी फैसिलिटी हमारे पास है, समझ में। ये देखो खुद के लिए पेज आपने डिज़ाइन कर लिया है, सेट कर लो इसको यहाँ पर, और इसको स्मॉल कर लो, इसको सही कर लो, इसको सीधा ही इसको सेट कर लो जहाँ चाहते हो वहाँ रख दो, ठीक है। इसी तरह से आपको बहुत सारे इमेज चाहिए, इमेज मंगा लो यहाँ से, आपके पास होना चाहिए इमेज कलेक्शन कम से कम, तब जाके आप और अच्छा काम करोगे। इस पर क्लिक किया, इंसर्ट करो। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना, रिमूव कर दो सीधा सीधा, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है ना। इसको इस्तेमाल कर लो जहाँ चाहिए वहाँ। ये पेज आपने बना लिया ना, इसको सेव भी करना सीखो। फाइल पर जाओगे, यहाँ सेव एज होगा, सेव एज पर क्लिक करो। इसको अगर इमेज बनाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर जेपीजी लिखा है, ठीक है, जेपीजी पे क्लिक किया और इमेज बना लो यहाँ पर खुद का, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो कोई फाइल का नाम, और इसका लोकेशन ले लो, आपने ले लिया ई ड्राइव और उसको सेव कर लिया, ठीक है। एवरी स्लाइड, ठीक है, तो एवरी स्लाइड कर दो, सारी स्लाइड सेव हो जाएंगी, ठीक है। आप चाहते हो कि इंसर्ट इंसर्ट पे जाकर के यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया जाए, सॉरी आपके पेज का नाम, तो यहाँ पे क्या करो, लिख दो आपने पेज का नाम लिख दिया, राइटर पेज, ठीक है ना, राइटर, और यहाँ लिख देता हूँ मैं। और एक चीज़ को क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट जो है ना स्मॉल कर लो, और अब इसको क्या करो, यहाँ पर अगर इसको साइड में लगाना चाहते हो तो यहाँ साइड लगा दो, ठीक है, कहीं भी यहाँ लगाना चाहते हो इसको, इसको रोटेट कर दो, या अपना नाम लिखना चाहते हो तो लिख दो बढ़िया से नाम, समझ में आया। इंसर्ट करो, अगर मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ सबील, ठीक है, और अहमद, या मेरे पेज का नाम है, फेसबुक पेज मेरा है, वहाँ पे जाओगे, फेसबुक में जाओगे तो वहाँ पे मेरा एक पेज होगा, तो वहाँ पे मैं लिखता हूँ एक नाम है मेरा, संडे डॉट अल्फाज। इसको सेलेक्ट करो, फॉन्ट को थोड़ा ढंग का कर लो, इससे क्या फॉन्ट का स्टाइल होता है ना, तो फॉन्ट का स्टाइल अगर अच्छा थोड़ा रहेगा तो और भी लुक देगा ढंग का। इसको क्या करो, इसको रोटेट कर दो सीधा सीधा, और इसको क्या करो, कहाँ रखोगे, यहाँ रख दिया, समझ में आया। इसको रोटेट करना चाहते हो कुछ ढंग से तो ऐसे कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो, ये और भी खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको फाइल पे जा करके सेव करोगे तो और मज़ा आएगा काम करने में। इसको इमेज फॉर्मेट लेना था ना हमें, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट लिया था, और लिखा था हमने IMG के नाम से, ई ड्राइव लिया था और सेव किया था, ठीक है। ये देखो हमारे पास दिख रहा है, और हमें क्या करना है, हमें कुछ और नाम दे देना है, ठीक है ना, तुमने दे दिया IMGS, ओके, सेव किया, और एवरी स्लाइड, हाँ ओके करो। अब दिखाता हूँ मैं कि कैसे इमेज बना है। ये देखो इमेज यहाँ पे बन चुका है ना, इसको देखना चाहते हो इसको ओपन कर लो, और इस पर राइट क्लिक करो, इसको प्रीव्यू देखना चाहते हो प्रीव्यू पे क्लिक करो, ओके, ये देखो कमाल का बन गया पेज, ठीक है। आप चाहते हो जितना डिज़ाइन देना चाहते हो ना, डिज़ाइन दे करके आप खुद का इमेज बना सकते हो, आप कोई भी पेज डिज़ाइन कर लो, समझ में आया। ये देखो कमाल का बन गया है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना अपना काम पूरा करते हैं, चलो ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट मेनू को लेकर के, इसको कंप्लीट करते हैं हम, ठीक है। और कंप्लीट क्या होगा, ट्रांजिशन मेनू, ओके, चाहिए वहाँ यूज़ करो, ठीक है। इसके बाद इनमें सारे फीचर आप इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो ये रहा वीडियो का एंड, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, और वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद फिर एनिमेशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।